हेलो फ्रेंड्स यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ यह है क्लास सिक्स का हिस्ट्री का चैप्टर वन है ये स्टडिंग द पास्ट तो देखो इसको हम जो है वो नोट्स की हेल्प से समझेंगे और नोट्स में हम सबका सब जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है और देखिए जितनी भी हम कह सकते हैं कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स हैं ठीक है थीके? वो मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में मैंशन में किया और इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है ना वो आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज मिल जाएगा साथ ही हाईलाइटेड भी है जिससे आप जब रिवाइज करोगे एक बार आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको अपने आप ही आप जब पॉइंट रीड करोगे हाईलाइटेड वर्ड्स को देखोगे तो आपको अपने आप ही वो चीज़ें याद होती जाएंगी तो एक बार देख लीजिए क्या क्या मेन हेडिंग्स हैं यहाँ पे तो हम अबाउट की हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है ठीक है क्या टाइम लाइन्स हैं इन हिस्ट्री में किस तरह से डेट्स होती हैं हिस्ट्री में जोग्राफिकल फ्रेमवर्क क्या है अर्ली ह्यूमन जो थे वो क्यों रिवर के पास ज़्यादातर सेटल होते थे ठीक है क्यों वहाँ पे रहना पसंद करते थे नदियों के पास तो ये भी एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और याद रखेगा कि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं ठीक है सोर्सेज क्या है हिस्ट्री के देखिए हिस्ट्री में आज भी जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं हम तो उस टाइम पे थे नहीं ठीक है तो हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं किसी तरह किसी प्रूफ के बिना पे पढ़ते हैं तो वो चीज़ें क्या सोर्सेज हैं जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हुए ठीक है लिटरेरी सोर्सेज हुए तो इनके बारे में हम जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो आ रही है आपकी जो हैडिंग है वो है इंट्रोडक्शन ठीक है तो इंट्रोडक्शन में क्योंकि चैप्टर का नाम ही है स्टर्डिंग द पास्ट यानी हम अपने पास्ट के बारे में समझेंगे अब सबसे पहले जो चीज़ जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं ठीक है अगर कोई और सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो हमें उसका रीज़न पता होता है बट काफ़ी बार जो होता है ना बच्चे सोचते हैं कि बहुत बोरिंग है उसको क्यों पढ़ते हैं इससे क्या हमें क्या फ़ायदा क्या होता है तो इसके बारे में भी क्योंकि क्लास सिक्स चाहिए अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो बहुत बेटर रहता है तो हिस्ट्री सबसे पहले देखिए जिस तरह से आपके अपने नाम होते हैं आप सभी के नामों का कुछ ना कुछ मतलब होता है इसी तरह से हिस्ट्री भी देखिए जो वर्ड है वो किस भाषा से आया है और इसका क्या मतलब है ठीक है ये किस रूट वर्ड से आया है तो हिस्ट्री जो वर्ड है एक्चुअली ड्राइवड हुआ है यानी आया है कौन सी भाषा से तो ये आया है ग्रीक भाषा से ठीक है ग्रीस देश की ग्रीक लैंग्वेज है वहाँ से ये आया है और जो इसका ओरिजिन वर्ड है वो है हिस्टोरिया और हिस्टोरिया का मतलब होता है लर्न और नो ठीक है कोई भी चीज़ पढ़ना या सीखना किसके द्वारा इंक्वायरी के द्वारा ठीक है यानी जांच पड़ताल के द्वारा तो हिस्ट्री में भी देखिए जो भी चीज़ें मैंने जैसे पहले कहा अभी अभी आपको कहा कि हिस्ट्री में देखिए हम तो पास्ट में जा नहीं सकते पर जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो किसी ना किसी प्रूफ के बिना पे पढ़ते हैं यानी हमारे पास सबूत होते हैं तो हम इंक्वायरी करते हैं तो हिस्टोरिया का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आप जानिए समझिए बट इंक्वायरी के द्वारा अच्छा आप थोड़ा सा हिस्ट्री वर्ड आप ध्यान से देखिए तो हिस्ट्री वर्ड में एक और शब्द जो है वो समाहित है अब ये कौन सा शब्द है जो हिस्ट्री में समाहित है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक शब्द मिलेगा और यह है स्टोरी ठीक है तो अगर सिंपल वर्ड्स में भी अगर आपसे कोई पूछे कि हिस्ट्री का क्या मतलब होता है तो हिस्ट्री का मतलब होता है स्टोरी ऑफ अर्ली मैन यानी हमारे पुराने जमाने में जो लोग थे उनकी कहानियाँ हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में किस तरह उनका अर, से उनका रहन सहन था उस टाइम बच्चे किस तरह के खिलौने से खेलते थे ठीक है किस तरह के घर हुआ करते थे किस तरह के खाना खाया जाता था ठीक है किस तरह के हथियार होते थे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं स्टडी ऑफ द पास्ट तो देखिए अब एक चीज़ ये भी आती है कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए ठीक है हमें अपने पास्ट को क्यों जानना चाहिए तो हमें अपने पास्ट को अगर आज आपने प्रेजेंट को आपको अच्छे से समझना है तो आपको अपना पास्ट पता होना चाहिए ठीक है जिस तरीके से आपसे कई बार जैसे आपका नाम पूछा जाता है आपके फादर का नाम पूछा जाता है आपके ग्रैंड का नाम भी पूछा जाता है ठीक है तो आपको अपना प्रेजेंट जानने के लिए अपने जो ग्रैंड फादर हैं फादर हैं ठीक है, है क्योंकि आपका जो सर है वो वहीं से आया है तो इस तरह से आपको अपने प्रेजेंट को समझने के लिए अपने पास्ट को अच्छे से समझना होगा ठीक है इसी तरह से देखिए जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आज जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक है आपका प्रेजेंट हुआ ठीक है आज जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम की जब आप एग्जाम के दिन जाओगे एग्जाम दोगे तो ये आपका पास्ट बन जाएगा ठीक है और जब आप एग्जाम दोगे उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा ठीक है अभी आप सोच रहे होगे वो हमारा फ्यूचर है पर जब आपका रिजल्ट आएगा आपने पढ़ाई आज अच्छी की है तो आपका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा ठीक है थीकिया? और जब रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तब आपको समझ में आएगा कि आपने अपना पास्ट में आपने कितनी मेहनत की थी तो इस तरह से आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है इसलिए आज अपने प्रेजेंट को अच्छे समझने के लिए आपको अपना पास्ट भी पता होना चाहिए अब आते हैं हिस्ट्री के डिविजन पर देखिए जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ा इतिहास है तो इतिहास को भी पढ़ने के अनुसार ठीक है कि को जानकारी हमें अच्छे से मिले अच्छे से हम समझ सकें इसके लिए इसको कैटेगराइज किया है ठीक है डिवाइड कर दिया है जैसे आपका जो एस होता है उसको तीन पार्ट में अगर डिवाइड कर दें सिविक्स में हिस्ट्री में जोग्राफी में उसी तरीके से जो हिस्ट्री है उसको भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है ठीक है और ताकि अच्छे से आप पढ़ सको क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाता है तो इस वजह से तो यहाँ पे जो तीन आ, क्लासिफिकेशन यहाँ पे किए गए हैं जो थ्री टाइम लाइन्स हैं वो हैं प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री और थर्ड है हिस्ट्री अच्छा प्री हिस्ट्री क्या होता है ठीक है तो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे वन वन मार्क के आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्री हिस्ट्री क्या होता है तो देखिए शब्द अगर ध्यान से देखेंगे तो प्री हिस्ट्री यानी पहले की बात हो रही है ठीक है बहुत पहले की बात हो रही है तो जो प्रिय जब ये वो दौर था जब राइटिंग जो थी वो इन्वेंट ही नहीं थी मतलब किसी भी रूप में यानी अगर कहा जाए जैसे शब्दों के अक्षरों के रूप में शब्दों के रूप में या कई तरह की आकृतियों को बना के भी भाषाओं को सिंबल्स के द्वारा साइंस के द्वारा भी लिखी जाती थी ठीक है तो वो आर्ट यहाँ पे थी ही नहीं वो इन्वेंटेड थी ही नहीं तो इस दौर को हम बोलते थे प्री हिस्ट्री अब आते हैं सेकंड पे तो ये है प्रोटो हिस्ट्री ठीक है यानी बीच का दौर तो यहाँ पे देखिए ये वो पीरियड था जहाँ पे हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले यानी हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले आर्क्योलॉजिस्ट ने जब खुदाई करी तो उन्हें कई जगहों पे कुछ बर्तन मिले कुछ ऐसी चीज़ें मिली कॉइन्स मिले जिनमें कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी हुई थी ठीक है रेट रिकॉर्ड्स के रूप में हमें मिले कलाकृतियां बनी थी आकृतियां बनी थी साइंस से सिंबल्स थे बट प्रॉब्लम ये थी कि बहुत कम मिले और साथ में ये अलग भाषाओं में थे जो कि हम उनसे अवेयर नहीं थे आर्कियोलॉजिस्ट जो पर्सन थे जो इन चीज़ों को ढूंढते थे खुदाई करके निकालते थे तो आ, वो उन भाषाओं को पढ़ नहीं पाए ठीक है एक पहली बात की वो बहुत कम थे और साथ ही वो भाषाएं उन भाषाओं से अवेयर भी नहीं थे तो ये वो समय था अब आते हैं थर्ड हिस्ट्री में तो ये वो दौर था ये वो पीरियड था जब इन्वेंशन ऑफ राइटिंग हो चुकी थी यानी राइटिंग के बाद का जो समय आया यानी प्रोटो हिस्ट्री में तो आपको रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले यानी राइटिंग का इन्वेंशन तो हो चुका था एक तरह से वहाँ पे अब हिस्ट्री में ये वो दौर है जब पहले से ही राइटिंग इन्वेंशन हो चुकी है और उसके बाद का जो दौर है वो है हिस्ट्री आपका इस टाइम को हम बोलते हैं हिस्ट्री और यहाँ पे बिल्कुल आपके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जो थी वो यूज़ में आने लगी लिखने के लिए ठीक है मैन्यूस्क्रिप्ट हुए तो और किस तरह से पेड़ों की छालों पे है ना पत्तियों पे भी लिखा जाता था और ये जो थे ये पढ़ पढ़े भी जाते थे पढ़ने लायक थे और काफ़ी ज़्यादा सोर्स में ये चीज़ें मिली प्रूफ में अब आते हैं नेक्स्ट डेट्स इन हिस्ट्री तो देखिए डेट्स इन हिस्ट्री जब हिस्ट्री की बात होती है इतिहास में तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो डेट्स हैं वो यूज़ होती हैं तो आपने कई बार सुना होगा जब हम कोई भी बोलते ना सिक्स एटी बी या सिक्स फोर्टी ए या बी या सी ठीक है तो ये है ना थाउजेंड सी ई या वन थाउजेंड बी सी बी सी ई तो कई बार आपके दिमाग में आता होगा कि इनकी क्या फुल फॉर्म्स होती हैं किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है ठीक है हिंदी में बोलते हैं ना इस ईसवी ईसा पूर्व तो वही चीज़ें यहाँ पे देखिए बी सी क्या होता है इट मीन्स बिफोर क्राइस्ट यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो दौर था उसको बी सी में काउंट करते हैं फिर आते हैं ए डी यानी डोमिनी और ये देखिए लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जब जीसस क्राइस्ट थे तो उनके उनके दौर में उस समय को बोलते थे एडी फिर है बी ई देखिए आज के मॉडर्न टाइम में बीसी की जगह बीसीई का इस्तेमाल किया जाता है और इसका फुल फॉर्म है बिफोर द कॉमन एरा ठीक है तो इसको यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड भी किया है कि बी की जगह आज इसको इस्तेमाल किया जाता है बी को इसी तरह से ए की जगह सी को यूज़ करते हैं इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है देखिए बी सी ई e. के मैंने लास्ट में ब्रैकेट में बैकवर्ड काउंटिंग लिखा है ठीक है तो बैकवर्ड काउंटिंग जिससे आप जब बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करते हो हंड्रेड ठीक है नाइन्टी नाइन तो यहाँ पे हंड्रेड जब आता है तो हंड्रेड पहले आएगा और नाइन्टी नाइन बाद में आएगा यानी हंड्रेड बी सी ई जो है वो पहले आएगा और नाइन्टी नाइन बी सी ई बाद में आएगा अगर पीछे बी सी ई लिखा है तो अगर आपसे पूछे जाए कि हंड्रेड बी सी ई और नाइन्टी नाइन बी सी ई में से कौन सा ईयर पहले आएगा तो आपका जवाब होगा हंड्रेड बी सीई अब आते हैं सीई पे तो देखिए जैसे मैंने पहले बता दिया कि ए डी की जगह सीई आज यूज होता है और बी सी की जगह बी सीई यूज होता है सीई में फॉरवर्ड काउंटिंग यूज होती है ठीक है यानी नाइनटी नाइन सी ई लिखा है और हंड्रेड सी ई लिखा है तो आपसे अगर पूछा जाए कि पहले कौन सा आएगा तब आपका जवाब होगा नाइनटी नाइन सी ई ठीक है फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है अब आते हैं जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क पे तो देखिए किसी भी कोई भी कंट्री है कोई भी जगह है तो उसका जोग्राफिकल फ्रेमवर्क जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट तो रखता ही है यह इम्पॉटेंस रखता है अपनी अपनी ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क की वजह से लोगों की जो पॉपुलेशन है किस तरह से क्या क्या एरियाज़ वहाँ पर होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन जो हैं तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी हद तक जो है निर्भर करती हैं तो इसी तरह से अगर ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क देखें तो बिल्कुल हाउ हाई माउंटेंस हाँ आते हैं ऊँचे ऊँचे पहाड़ आते हैं डेजर्ट एरिया आते हैं ठीक है रेगिस्तान इलाके आते हैं चाहे वो ठंडे हों चाहे वो गर्म हों फर्टाइल रिवर वैलीज ठीक है नदियों वाला जहाँ पे नदियाँ बहती हैं और वो जो एरिया होता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है सॉइल बहुत फर्टाइल होती है तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि सिंपली जो है एग्रीकल्चर हो जाता है रिवर्स हैं तो ये सारे जो हैं ये सारी जो टर्म्स हैं ये आते हैं आपके जोग्राफिकल फीचर्स में आप आते हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और हाइयर क्लासेज में भी क्वेश्चन जो है रिपीट होता है कि जो अर्ली ह्यूमन जो थे वो सेटल क्यों होते हैं नियर रिवर वैलीज़ के तो आ, सबसे पहले बात देखिए जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उस पर ध्यान दीजिएगा और जब हाईलाइटेड वर्ड्स आप ध्यान रखेंगे तो अपने आप सेंटेंस आप बना लोगे आप लिख लोगे ठीक है तो आ, जो लैंड है वो रिवर ठीक है द लैंड नियर द रिवर वॉ वेरी फर्टाइल हमें अच्छे से पता है जो रिवर होती है वो है ना एक जगह से दूसरी जगह जो फ्लो करती है तो एलोवियर सॉइल कंटेन करती है ठीक है एलुवियल सॉइल आपने सुना होगा टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती हैं तो एलोवियल सॉइल जो होती है वो रिवर के द्वारा नदियों के द्वारा ही बनाई जाती है जलोड़ मिट्टी बोलते हैं उसको हिंदी में तो आ, ये जो एरिया होते हैं जो नदियों के पास होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं और हमें अच्छे से पता है जो उपजाऊ भूमि होती है वो उसका इस्तेमाल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छे खासे प्रयोग में होता है और इंसान को अगर कुछ भी नहीं आता अगर वो खेती बाड़ी भी करता है तो उससे भी अपना भरण पोषण वो इजीली कर लेता है तो अगर एक फर्टाइल लैंड उसे मिल जाए नदियाँ पास में मिल जाए इरीगेशन फैसिलिटीज़ उसको आराम से पौधों को पानी दे सकता है तो इस तरह से वो अपना भरण पोषण आराम से कर लेते थे तो और ये अर्ली मैन से ही एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट हो गया था ऐसा नहीं है कि आज जो भी चीज़ें हम करते हैं वो कुछ नई हमने इन्वेंट करी हैं पुराने ज़माने से ही वो चीज़ें हैं बस खोज की देर थी तो जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खोजें की तो ये सारी चीज़ें प्रूफ भी प्रूफ के साथ सबूत के साथ मिलती गई रिवर देखिए जो रिवर जो है वो क्या प्रोवाइड करती है इसके साथ ही और भी तरह की जो नीड्स होती हैं ठीक है इंसानों की वो भी वाटर सफिशेंट वाटर जो है वो नदियाँ प्रोवाइड करती हैं रिवर जो है एक तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिस तरह से आज देखिए रोडवेज और रेलवेज होते हैं तो पुराने ज़माने में इस तरह के रोडवेज रेलवेज नहीं होते थे तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे उस टाइम वो क्या किस तरह से ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह तो रिवर के द्वारा ठीक है तो रिवर एक तरह के ट्रांसपोर्टेशन मोड के रूप में भी इस्तेमाल होती थी नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं तो ये है सोर्सेज ऑफ़ हिस्ट्री देखिए हमारे जो चीज़ हमने स्टार्टिंग में बोली कि हिस्टोरिया का मतलब ये होता है टू लर्न और नो बाई एन इंक्वायरी की इंक्वायरी के द्वारा जिस तरह से अगर आपके पड़ोस में कोई क्राइम होता है तो आप सीधे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि किसने क्राइम किया ठीक है पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन करती है पूरे के पूरे सबूत को कलेक्ट करती है उसके बिना पे जो है फुटप्रिंट्स हो है ना हर तरह के जो प्रूफ है उसको कलेक्ट करते हैं विटनेसेस को कलेक्ट किया जाता है ठीक है उसके बाद वो बताते हैं कि किसने के क्राइम किया था तो उसी तरह के से देखिए जो सोर्सेज ऑफ़ हिस्ट्री हमारे पास क्या डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है जिसके बिना पे हम कहते हैं कि आज जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आई हैं तो ये देखिए सबसे पहले जो है ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं और कुछ लिटरेरी सोर्सेज भी हैं देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो मैंने आर्कियोलॉजिस्ट बताया था जो पर्सन खुदाई करते हैं ठीक है ज़मीन के अंदर काफ़ी खुदाई करते हैं और पुरानी चीज़ों को ढूंढते हैं और साथ ही उनको प्रूफ करते हैं उन कि ये किस एरा से किस समय से बिलोंग करती हैं किससे रिलेटेड है तो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज होते हैं वो डायरेक्ट एविडेंस होते हैं ठीक है एकदम डायरेक्ट सबूत होते हैं और इनको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने रूप में होते हैं ठीक है आपको मिले हैं वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते और किसी भी कोई भी ह्यूमन बींग जो है उसको दोहरा भी नहीं सकता दोबारा बनवा भी नहीं सकता और उसको दोहरा भी नहीं सकता फोर टाइप्स के होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस देखें तो ये देखिए आपके कौन कौन से हैं तो देखिए इंसक्रिप्शन होते हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं मैं पहले आपको बता दूँ तो इनक्रिप्स इंक्रिप्शन uh, होते हैं कॉइन्स होते हैं आर्टिफैक्ट्स होते हैं मोन्यूमेंट्स होते हैं तो फोर टाइप्स के ये होते हैं इसको याद रखिए सब हेडिंग्स याद कर लीजिए फोर टाइप्स यानी सब हेडिंग से इंस्क्रिप्शन क्वाइंस आर्टिफिक्स एंड मोन्यूमेंट्स अब आते हैं एक एक को समझते हैं क्या है तो देखिए अगर आप समझ लेंगे अच्छे से तो आप जल्दी से एग्ज़ाम में भी आराम से लिख लेंगे हाईलाइटेड वर्ड्स को ध्यान रखिएगा इंस्क्रिप्शन क्या है रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं लिखे हुए रिकॉर्ड्स होते हैं पर ये किसी कागज़ पे नहीं लिखे होते हैं ये याद रखिएगा रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं और ये रॉक्स पे यानी पत्थरों पे ठीक है गुफाओं की दीवारों पे मेटल पीलर्स जो हैं या वॉल्स ऑफ पैलेसेज या टेम्पल्स तो उनमें ये इंक्रेव यानी लिखवाए जाते हैं ठीक है कुदेरे जाते हैं उकेरे जाते हैं रॉक्स पे के वॉल्स पे लिखे जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन और आप सोच सकते हो कि जब आप पत्थरों पे केव वॉल्स पे मैटर पेलर्स पे या वॉल्स ऑफ पैलेसिस या टेम्पल्स पे लिख रहे हो कोई चीज़ को तो वो अक्षर इतनी जल्दी मिटेंगे नहीं ठीक है वो कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होंगे बिल्कुल अगर मान लीजिए अर्थ को एक भी आता था तो दबे रहते हैं ज़मीन के अंदर तो आर्कियोलॉजिस्ट जब उन्होंने उन्हें ढूंढा तो उनको यही चीज़ें मिली तो उनमें ये रिटर्न में लिखे हुए थे सिंबल्स बने हुए थे साइंस थे जिसके द्वारा बहुत पता चला कि उस टाइम किस तरह के एनिमल्स थे किस तरह की हंटिंग होती थी ठीक है किस तरह के राजा महाराजा थे है ना तो उन, 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 उनकी विजय जो वो विजय करते थे तो उस तरह से क्योंकि अशोका के बारे में आपको याद होगा जब आपने अशोका चैप्टर पढ़ा था अगर आपने नहीं पढ़ा तो वीडियो अवेलेबल है वो वीडियो आप देखिएगा तो मैंने उसमें बताया कि किस तरह से जब भी राजा जो थे जब वो एक विजय प्राप्त करते थे किसी भी एरिया पे अटैक करते थे विजय प्राप्त करते थे तो उस विजय की खुशी में भी इस तरह के पिलर्स और मंदिर बनवाते थे और अपनी प्रशंसा में कुछ वाक्य या लिखवाते थे कि हमने इस टाइम पे इस राजा ने यहाँ पे जो है विजय प्राप्त की तो उससे भी आर्क्योलॉजिस्ट को बहुत सारी चीज़ें के नॉलेज मिले और आज जो हम चीज़ें पढ़ते हैं वो ये प्रूफ के बिना पे ही पढ़ते हैं सेकंड जो है वो कॉइंस देखिए कॉइन्स भी एक बहुत ही वैल्यूबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है आज के टाइम का भी अगर आप कॉइन उठा के देखेंगे तो आप देखोगे कि उसमें पूरा लिखा होगा कि इंडिया का कॉइन है ठीक है ईयर मैंशन हुआ कि साल का है ये ठीक है कॉइन तो और भी चीज़ें आपको पता हो जाएगी कि कितने रुपये का कॉइन है इसी तरह से पुराने समय में भी जब कॉइंस होते थे तो वो भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताते थे किंग्स के बारे में कई सारे कॉइंस में तो आपको किंग्स जो राजा हैं जो रानी हैं उनके जो फ़ोटो हैं जो इमेजेस हैं वो भी आपको मिलेंगे कि उनको भी मेनटेट किया गया उनको भी छापा गया है ठीक है उसमें कॉइंस uh, में तो इस तरह और साथ ही लिखा गया है राजा का नाम और किस एरा का था तो ये सारी चीज़ें जो है कॉइन्स से भी एक तरह के हमें वैल्यूबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाते हैं आर्टिफैक्ट्स पे आते हैं तो देखिए आर्टिफैक्ट्स पहली बात होती है क्या है देखिए अर्ली ह्यूमंस ने जो भी चीजें जो भी ऑब्जेक्ट्स जो है अपने हाथों से बनाए थे उस टाइम उनको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं ठीक है वैसे मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार कि जो भी ऑब्जेक्ट्स जो अर्ली ह्यूमंस ने बनाए थे अपने हाथों से उनको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं और इसमें आपके पॉटरी आते हैं जो भी बर्तन उन्होंने बनाए थे टूल्स बनाए थे वेपन्स बनाए थे ऑर्नामेंट्स बनाए थे ज्वेलरी बनाई थी ये सभी के सभी जो है आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं तो ये भी खुदाई जब होती है पुराने ज़मीनों पे या फिर जहाँ भी, भी आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्हें कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है और जब वो खुदाई करते हैं तो बहुत सारे इस तरह के पुराने बर्तन और इस तरह की चीज़ें मिली हैं जिसके बिना पे वो बताते हैं कि हाँ उस दौर में जो है लोग बिल्कुल बर्तन बनाते थे मिट्टी के टूल्स वेपन्स ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी बनाते थे ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास आर्कोलॉजिकल सोर्स ये है मोन्यूमेंट्स तो आपने बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखी होंगी तो इस तरह की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं जिनकी अपनी ख़ुद की एक इंपॉर्टेंस है और वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है तो उनको हम मोन्यूमेंट्स कहते हैं इसमें आपके टेम्पल्स हैं स्तूपाज हैं फोर्ट्स हैं पैलेसेस हैं या मोनेस्ट्रीज हैं ये सारी सारी मोन्यूमेंट्स हैं और ये भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के रूप में हमें बहुत सारी नॉलेज देते हैं क्योंकि इनके दीवारों पे जैसे पहले स्टार्टिंग में कहा इनकी दीवारों वगैरह पर सब लिखा है कि किस राजा ने इनको बनवाया नेक्स्ट जो है वो है लिटरेरी सोर्सेज तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमने अच्छे से समझ लिया आप आते हैं लिटरेरी लिटरेरी का मतलब भी होता है लिखावट के रूप में ठीक है लिखे हुए सोर्सेज अच्छे लिखे हुए सोर्सेज में भी हमारे पास दो तरह के होते हैं और देखिए जो चीज़ लिखी हुई है वो तो काफ़ी अच्छे से प्रूफ होती है और काफ़ी लंबे समय तक बट ये भी है कि अगर वो पेड़ों की छालों या फिर पत्तियों पर लिखी गई है क्योंकि उस टाइम पेपर नहीं अवेलेबल होता था तो बहुत ही फ्रेजाइल होते थे और डिस्ट्रॉय हो जाते थे तो इस तरह से काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स के जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो आज हमारे पास हैं भी नहीं तो अब आते हैं लिटरेरी सोर्सेज में तो ये भी दो तरह के होते हैं एक होता है रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज तो याद रखिएगा हम और दूसरा जो होता है वो होता है सेकुलर लिटरेरी सोर्सेज क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे तो आप इसको अच्छे से याद रखिए कि दो तरह के लिटरेरी सोर्सेज होते हैं एक होता है रिलीजियस और एक होता है सेकुलर रिलीजियस में सिंपल सी बात है देखिए कोई ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है दो हैं एकदम डिफाइन करेंगे फटाफट समझेंगे इसको रिलीजियस का क्या मतलब है रिलीजियस मतलब रिलेटेड टू द रिलीजन ठीक है यानी किसी भी तरह के धर्म से रिलेटेड जो आपके लिटरेरी सोर्सेज हैं जो लिखी हुई किताबें आपके पास हैं वो आपके हो गए रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज दूसरा है सेकुलर लिटरेरी सोर्सेज सेकुलर का मतलब ही होता है किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है ठीक तो है तो यहाँ पे इसी चीज को समझिए कि सेकुलर लिटरेरी सोर्सेज का सिंपल सा मीनिंग है नॉट रिलेटेड टू द रिलीजन यानी किसी भी धर्म से कोई चीज़ रिलेटेड नहीं है कोई ऐसी किताब जो किसी धर्म से रिलेड रिलेटेड नहीं है तो इट मीन्स वो किस में आ रही है वो आ रही है आपकी सेकुलर लिटरेरी सोर्सेज में तो अब आते हैं रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज में तो इसमें देखिए जो आपके ग्रंथ है रामायण है महाभारत है वेदांश है गीता है पुराण है कुरान है ठीक है बाइबल है तो ये सारे देखिए धर्म से रिलेटेड है जी जो भी इनमें इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आपके धर्म के बारे में तो ये सारे आपके रिलीजन से रिलेटेड है इसी वजह से हम रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज इनको बोलते हैं अब आते हैं सेकुलर लिटरेरी सोर्सेस में जैसे पहले ही कहा कि कोई किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं होती इसमें बायोग्राफीज आती हैं ऑटोबायोग्राफीज़ आती हैं कहानियाँ आती हैं कविताएँ आती हैं प्लेज आते हैं और जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो विदेशों के जो ट्रैवलर्स थे जो विज़िट करने इंडिया में आए राजाओं महाराजाओं के राज्य में वो काफ़ी लंबे साल तक रहे ठीक है फाहीन है इथ सिंह है तो इस तरह के काफ़ी सारे फॉरेन ट्रेवलर्स भी इंडिया में आए जो राजाओं के टाइम पे उनके, उनके साम्राज्य में रहे और ऑब्जर्व किया अच्छे से आठ साल दस साल रह के कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं किस तरह के लोग रहते हैं किस तरह की उनकी लाइफ है और फिर उन्होंने उनके बारे में लिखा भी ठीक है तो उस तरह के सोर्सेज आज भी हमारे पास अवेलेबल है और उसके बिना पे हम ये सारी बातें जो है आपको बता रहे हैं तो अब ये देखिए इसमें किस तरह की किताबें हैं ठीक है तो अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य ने लिखा था जिनको चाणक्य भी बोलते हैं और पोम्स और प्लेज हैं कालिदास के ठीक है मेघ दूतम है शकुंतला है तो इस तरह के जो कविताएं हैं प्लेज हैं तो और डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स के तो उनसे भी हमें काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है तो फॉर एग्जाम्पल आप एक दो यहाँ पे मैंने लिखे हैं जैसे कि आपको ईजी पढ़े आपके लेवल के हिसाब से क्लास सिक्स में है आप तो अगर आप इतना भी लिखते हो तो आपको ईजिली जो है मार्क्स मिल जाएंगे साथ ही जो इंडिका बुक है मैग्नीथीज के द्वारा तो इसके द्वारा भी हमें जो है भारत की जो संस्कृति थी उस टाइम के जो अर्ली मैन थे किस तरह से रहते थे तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है नॉलेज वो मिलती है तो आप इन किताबों का नाम साथ ही इनके राइटर्स का नाम याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा सो थैंक यू एवरी वन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स